सुंदर सुंदर सुरभित सुरभित मेघा है सारा चमन, गुरु पार्श्व पदम को हमारा नमन वंदन। यहाँ पर मीरा जी समणी पद्म को भी मथेन वंदन। हम बता रहे हैं राजा हरिश्चंद्र और तारा रानी की कहानी, एक भवोतारी पूज्य जयमंत्र महाराज साहब द्वारा रचित 64 सती सज्जा भाग 5 से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की रानी तारामती का प्रसंग हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा गया है ते गंभीर सुरा जे गंभीर सुरा, जो गर्भ में सुर होते हैं वे धर्म में सुर होते हैं। राजा हरिश्चंद्र ऐसे ही सत्यवादी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र का विवाह रानी तारामती के साथ हुआ। अत्यंत ही सुंदर वह पति पतिव्रता स्त्री थी। दोनों का जीवन सुख में रहते पूर्ण आत्मा रानी तारामती की प्रसंग में सत्य की रक्षा व पति वचन की रक्षा के लिए राजा को आध्यात्मिक व सत्य की राह पर चलाने वाली रानी तारामती ही। ये आपने क्या किया? अवसर आपको बंधन से मुक्त क्यों किया? यदि आश्रम में बंदी देव मनाओं को मुक्त करना तेरा कर्तव्य है, राजधर्म है, तो याचकों को दान देना भी राजा का धर्म है। राजा के द्वार से कभी खाली कोई नहीं जाता। मैं ब्राह्मण हूँ, याचना करना मेरा कर्म है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी याचना पूरी करे। राम महाराज आप सही कहते हैं, याचक की याचना पूरी करना हमारा कर्म ही नहीं धर्म भी है। बताइए आपकी क्या याचना है? मुझे मेरा अयोध्या का राज्य चाहिए। मैं तुझसे मेरे राज्य की याचना करता हूँ। बोल राजन, करेगा मेरी याचना पूरी? अवश्य मैं आपकी याचना अवश्य पूरी करूँगा। तो ठीक है महाराज, क्योंकि हम प्रजा को आपकी जरूरत है, हमें कौन संभालेगा? हरिश्चंद्र कहाँ जा रहे हो? मेरी दर्शना में अध्यासमन होता है तो लेकर जाओ। अवश्य मुनिवर। महामंत्री महामंत्री बोल, जब तुमने पूरा राज्य मुझे सौंप दिया तो महामंत्री कहाँ से देगा मेरी दक्षिणा? क्षमा करिए मुनिवर, मुझे 3 महीने का अवसर दे दे, मैं जल्द ही आपकी हृदय मुद्राएं दे दूंगा। ठीक है जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने मित्र को तथा रोहित को अपने ननिहाल ले जाए। महाराज ये आप क्या कह रहे हो? जब आपने सुखने सबको साथ में रखा तो दुख में भी हम आपसे दूर कैसे हो जाए? मुझे अपना पत्नी धर्म तो निभाने दीजिए महाराज। 1 महीने का समय पूरा होते ही विश्वामित्र वापिस आ जाते हैं। कहाँ है हरिश्चंद्र? पधारी मुनिवर पधारी, आपने क्यों कष्ट किया? करने का रुझवा देते तो वह स्वयं आपसे मिलने आ जाते। तेरा पति मेरा रणी है, जा अंदर जाकर तेरे पति को भेज और बाहर आए तो मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर भेजना। इस तरह 1 महीने के समय बीतने पर भी हरिश्चंद्र 1000 स्वर्ण मुद्राएं विश्वामित्र को न चुकाने पर स्वयं को तारामती को बेचने के लिए चबूतरे पर खड़े हो गए। अब दोनों अलग होकर
अपना जीवन व्यतीत करते हैं। रोहित तारावती का पुत्र अब पाप का उल्लंघन हो जाता है। रोहित हमेशा की तरह घर में फल तोड़ने गया। तभी एक घटना घटित होती है। एक जहरीले सांप ने रोहित को डस लिया और रोहित बेहोश होकर गिर जाता है। शरीर नीला पड़ जाता है। लोगों ने रोहित को नीचा गिरा देखकर तारावती को बुलाने दूर गए। राजा को पुनः राज्य दे दिया है। रानी तारावती भी अब खुश नजर